एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने सीमा पर तैनात जवानों के लिए 120 प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की मंजूरी दे दी है। सबसे अहम बात यह है कि इन मिसाइलों को चीन से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब रक्षा मंत्रालय सामरिक अभियानों के लिए बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी में दुश्मन के ठिकानों को उड़ा सकती हैं। इसके साथ ही इससे एलएसी पर भारत की ताकत और मजबूत होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रलय मिसाइल का पिछले साल दिसंबर में 2 बार सफल परीक्षण भी हो चुका है। और दूसरी चीज, इस मिसाइल में ट्रैकिंग प्रणाली में मॉडर्न नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एरोनॉटिक्स को भी जोड़ा गया है। यह मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइलों को पछाड़ सकती है। यह मिसाइल हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। सूत्रों का कहना है कि ये मिसाइल दुश्मन देश के एयरबेस को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा इस प्रलय मिसाइल के टारगेट के 33 फीट के दायरे में आने वाली चीज पूरी तरह जमींदोज हो जाती है। इसके अलावा इस मिसाइल का ये भी फायदा है कि आप जितना इलाका बर्बाद करना चाहें, ये सिर्फ उतना ही इलाका तबाह करेगी। इसके अलावा ये मिसाइल रात में भी हमला कर सकती है। आपको बता दें कि प्रलय मिसाइल की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं चीन के पास प्रलय से मिलती जुलती वाली टेक्नोलॉजी की मिसाइल है, जिसे डोंगफिंग 12 कहा जाता है।